2-2, 2 पर 3 यह है न्यूजीलैंड का स्कोर। पहले दिन के खेल के बाद वो तीनों विकेट चटकाई हैं शाहीन शाह अफरीदी ने, लेकिन टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला ये मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान पे पड़ गया थोड़ा सा भारी। हैशटैग आकाशवाणी। अब यहां पर शाहीन शाह अफरीदी की बात तो हम करेंगे, बात हम न्यूजीलैंड की भी करेंगे, बात इस बात की भी होगी कि टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला ये एक टफ फैसला होता है। अमूमन मेरा तो हर जगह ये मानना है कि अनलेस बहुत मॉइस्चर है और बहुत ग्रीन है तो आप बॉलिंग कीजिए, वरना 10 में से 7-8-9 बार तो आप ना पहले बैटिंग कर लीजिए, क्योंकि लगता है कि मुश्किल है लेकिन और होता भी है थोड़ी देर के लिए मुश्किल, पर अगर आप उसको इफ यू सेल थ्रू दैट देन और एंड में बैटिंग करना ही मुश्किल काम होता है। चौथी इनिंग्स टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी करना सबसे डिफिकल्ट काम रहता है, फिर चाहे 150 ही क्यों ना आप चेज कर रहे हो, वो भी आपके वो कहते हैं एकदम नाक में दम रहता है, जान हलक में रहती है। सो दैट्स बीन द स्टोरी। पर यहाँ टॉस जीत के मोहम्मद रिजवान ने, जो उनके अब स्टैंड इन कप्तान है, ये पाकिस्तान के कप्तान ने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया। सही किया, गलत किया, फैसले कई बार ये भी होते हैं कि आपको वो सही और गलत जो है वो नतीजे के बाद पता चलता है कि क्या उन्होंने ठीक डिसीजन लिया या नहीं लिया। जब तो टॉम एंड टॉम बैटिंग कर रहे थे, टॉम लेथम एंड टॉम ब्लंट, और हाथ में थी गेंद शाहीन शाह अफरीदी के, तो आप कह रहे थे बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी करते हैं, आगे डालते हैं, मूव कराते हैं, लंबे कद के हैं, अच्छी है विकेट चटकारे, और एक छोटी सी उम्र में लीडर ऑफ द पैक बन गए हैं यार ये। यहाँ पर मोहम्मद अब्बास हैं जो कि बहुत वरिष्ठ खिलाड़ी हैं अगर उम्र के हिसाब से देखें, नसीम शाह जरूर यंग है, पर शाहीन शाह अफरीदी आप मानेंगे कि एक युवा खिलाड़ी के अंदर वो काबिलियत है, वो ताकत है, वो क्षमता है, और जिस तरीके से इनका ग्राफ चल रहा है ना ऊपर की तरफ हर फॉर्मेट में, ये मुझे लग रहा है आने वाले समय में ही कुड बी वन ऑफ द बेस्ट इन मॉडर्न डे क्रिकेट। जब हम बात करते हैं रबाडा की, हम बात करते हैं जोफ्रा की, हम बात करते हैं स्टार्क की, हम बात करते हैं बुमराह की, ये मतलब उस लीग में जाने के काबिल है। ठीक है, अभी शुरुआत की है, रास्ता बहुत लंबा है, पर अच्छे लक्षण आपको नजर आते हैं, द चांस का आपको लगता है कि संकेत वहां पर दिख रहे हैं कि ये उस तरफ जाएंगे शायद। अब टॉम लेथम और टॉम ब्लंडल, आपको टॉम एंड टॉम को आपने दोनों को आउट कर दिया, तो ये तो आपका हो गया बड़ा अच्छा शुरुआत भाई, ब्रिलियंट शुरुआत हो गई। उसके बाद लेकिन आ जाते हैं भैया केन विलियमसन, और केन विलियमसन ना केन कंसिस्टेंट विलियमसन है, वो नहीं आउट होते यार, उनको मतलब आप जितने भी दबाव में डालते रहो, वो वाला हीरा जिस पे दबाव डालो ना तो बिखरते नहीं है, निखर जाते हैं, और ये होता है ना वो कोयले की खान में जो सबसे ज्यादा दबाव सह सकता है वही तो हीरा बनता है ना, तो ये वाला हीरा है भैया, एकदम जबरदस्त VVS1 या फिर जो सबसे बढ़िया होता है, और ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, और अभी तक नाबाद है, मतलब वो एक और शतक के करीब आ चुके हैं। एक बात जरूर अच्छी किया पाकिस्तान ने कि बहुत सारे रन्स लीक नहीं किया है, तो एक ही दिन में अगर आप 87 ओवर डालते हैं और 222 रन बनते हैं तो भी आप खेल से पूरी तरह बाहर नहीं हो, क्योंकि अगर मान लीजिए 290 के करीब होता और 3 आउट होते तो फिर वापसी के चांस बहुत कम होते, अभी आपके पास वापसी का चांस है, सो दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। पर रॉस टेलर और जो विलियमसन की साझेदारी थी उसमें विलियमसन धीमे चल रहे थे, रॉस टेलर तेजी से भाग रहे थे और अच्छी बैटिंग कर रहे थे यार, एक आधे शॉट तो मतलब ठीक ठाक रॉस टेलर ने लगाए, और इनका भी वो कहते हैं थोड़ा अंडररेटेड प्लेयर है, इतनी बात होती नहीं है पर ये खिलाड़ी है कमाल का, ये भी अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं जब से वो आंख का उन्होंने वो ऑपरेशन करवाया है, जो ठीक काम करवाया ना उन्होंने, तब से ही इज बीन अ डिफरेंट बैट्समैन ऑल टुगेदर। और फिर यहां पर आउट कर देते हैं रॉस टेलर को भी शाहीन शाह अफरीदी, तो अब 3 विकेट गिरी है, तीनों की तीनों शाहीन शाह अफरीदी ने चटका दी है, तो फिर ऐसा लग रहा है कि ये वन मैन आर्मी है, वन बॉलर बॉलिंग यूनिट है, कि अगर जब तक ये करेंगे तो काम सही है, अगर ये नहीं कर पाएंगे तो फिर थोड़ी सी काम खराब है। एक मौका आया था और वो मौका बहुत बड़ा था, हेनरी निकल्स बल्लेबाजी करने अभी अभी आए हैं, साथ में केन विलियमसन जरूर है, अभी आपका रॉस टेलर का विकेट चटकाया है, एग्जैक्ट स्कोर क्या था 3 विकेट का, लेट मी जस्ट टेल यू दैट 133/3 जब ये आपने ये 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया है, तो अब ये 150 के आसपास एक मौका बनता है, ये मौका बनता है नसीम शाह की एक अच्छी बॉल रहती है, वो लगाते हैं शॉट पीछे, आसान सा कैच है मोहम्मद अब्बास से, वो कैच उनसे छूट जाता है, अगर वहाँ पे 4 हो जाते तो फिर आप थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलना शुरू कर देते, वो बीजे बॉटलिंग आते, फिर और कहानी आती, मैच खुलने का मौका बनता है, लेकिन अब हेनरी निकल्स का वो कैच छोड़ा, उसके बाद सभी ने गेंदबाजी की भी, फहीम अशरफ ने भी की, मोहम्मद अब्बास ने भी की, यासिर शाह ने भी की, नसीम शाह ने तो ऑफकोर्स की, और नसीम शाह को विकेट मिलता तो शायद जो युवा गेंदबाज है ना विकेट का कॉन्फिडेंस अलग होता है, विकेट का जो जज्बा है फिर वो अलग हो जाता है, खेलने का अंदाज बदल जाता है, वहां पे वो हो नहीं पाया, और अंत में हुआ क्या, शाहीन अफरीदी 20 ओवर में 3 विकेट, मोहम्मद अब्बास रन नहीं देते यार 20 ओवर में, 25 कुल रन दिए उन्होंने, लेकिन उतनी गति नहीं है कि आप विकेट चटका पाए, वो विकेट टेकिंग बॉल्स तब डलती हैं जब थोड़ी सी ना एयर स्पीड हो, ऑफ द पिच थोड़ी सी हरकत तेजी से करें गेंद, वरना फिर आप खामोश तो रखते हैं
विकेट उन्हें नहीं चटकाते हैं। उसके बाद फहीम अशरफ 13 ओवर में 30 रन, नसीम शाह 15 में 51, यासिर शाह 16 में 56। यासिर के खाते विकेट नहीं है, जो कि ऐसा होता है अगर आप अमूमन फर्स्ट डे ऑफ टेस्ट मैच आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट देखें ना, तो ऐसा बहुत बार होता है कि स्पिनर को विकेट नहीं मिलती। बट देन अक्रॉस द टैस्मैन सी वहां पर रविचंद्रन अश्विन ने मतलब जादू कर दिया पहले दिन, और पहले दिन अगर हम देखें पिछले मैच का तो वो नेथन लायन ने जादू कर दिया था। तो फिर ये बात भी माननी पड़ेगी कि स्पिनर्स का रुतबा थोड़ा सा बढ़ रहा है, थोड़ा सा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, तो यासिर शाह को विल ऑल्सो हैव टू अप हिज गेम अ लिटिल मोर कि वो पहले दिन भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सके, सिर्फ डिफेंसिव ऑप्शन नहीं, अब आजकल विकेट टेकिंग ऑप्शन होनी चाहिए। क्योंकि सामने वाले एक्चुअली ये यूनिवर्सल रूल हो गया है कि बल्लेबाजी की ना टेक्निक जो है थोड़ी सी ऐसी हुई है यार, तो फिर ऐसे में आप उम्मीद करते हैं कि स्पिनर्स जो है वो बड़ा रोल अदा करेंगे। अब 222 पर 3 आगे का रास्ता क्या होगा? दूसरा दिन कहते हैं भैया इट्स क्लीशे, पहला सेशन आपको जीतना होगा, क्योंकि पहला सेशन अगर चला गया न्यूजीलैंड की तरफ तो उन्होंने पहले सेशन में 100 रन बना दिए, एक दो आउट हुए, तो फिर तो 335 हो जाएंगे। 330-335 पे 5 भी आउट हो जाते हैं अगर, तो भी आप 400-450 की तरफ रुख करना शुरू कर देंगे, एंड इफ दैट हैपेंस दिस गेम विल बी आउट ऑफ पाकिस्तान से रीच। तो अब उम्मीद यही है कि ये दूसरी नई गेंद से अब विकेट चटकाएंगे और वापस खेल में आएंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये जो टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला है ना, इससे फिर आपको शाहीन शाह अफरीदी भी बचाने। चलिए अभी के लिए इतना ही है, कल फिर आएंगे एक आकाशवाणी लेकर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड। वी कीपिंग अ क्लोज आई, क्योंकि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है ना, एक नहीं दो नहीं तीन तीन टेस्ट मैच चल रहे हैं, साउथ अफ्रीका श्रीलंका का भी शुरू होना है, उसकी भी सोचेंगे क्या करना है। अभी आई हैव टू स्टार्ट फोकसिंग अगेन ऑन इंडिया ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच एट द MCG।